नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इला शुक्ला जी, तुलसी जी, पूजा जी, उपदीप जी, पुपरी कलाम जी, सोनी प्रजापति जी, सुनीता जी, संतोष जी, श्रीम जी, अनूप पांडे जी, आनंदिता जी, मनीषा तिवारी जी, प्रांजल जी, राम शर्मा जी, दीपाली यादव जी, मोनू त्रिपाठी जी, रीनू मिश्रा जी, वर्षा मिश्रा जी, पूजा तिवारी जी, संतोष जी, अर्पणा यादव जी, आनंदिता जी, हरीश शाहू जी, फन फॉर फ्राई, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपके कमेंट्स के लिए। आपके ये कमेंट्स ही हैं जो मुझे आगे वीडियो बनाते रहने की मतलब प्रेरणा देते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पांस इसके लिए नहीं है। जो बहुत ज़्यादा स्तरीय पढ़ाई कर रहे हैं उनको ही इन वीडियोज में मज़ा आएगी, और जो अभी अभी जिन्होंने स्टार शुरू किया है प्रिपरेशन, शायद उनको उतने अच्छे नहीं लग रहे होंगे ये वीडियो। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे देखते हैं। बहरहाल आप लोगों के कमेंट्स ही मुझे मेरा हौसला बढ़ाते हैं, तो कमेंट्स करते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करिए, पता चलता है कि कितने लोगों को अच्छी लगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेरे डेली पूरे वीडियो देख के भी डिसलाइक करके जाते हैं, अगर आपको नहीं अच्छे लग रहे हैं तो खैर कोई बात नहीं। आज हमारा जो आपका भक्ति का था उसका आखिरी वीडियो है ये, केशवदास जी के बारे में। केशवदास जी को रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल में रखा है, ठीक है, आगे इसके बारे में बात करेंगे और प्रश्न भी बनते हैं यहाँ से। केशवदास ये सनाड्य ब्राह्मण कृष्ण दत्ता के पौत्र और काशी नाथ के पुत्र थे। इनका जन्म 1612 में और मृत्यु 1674 में के आसपास हुई थी। ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में ये रहते थे, जहाँ इनका बहुत मान था। तो ये किसके सभा में रहते थे, किसके आश्रय में रहते थे? इंद्रजीत सिंह की। याद रखिएगा, केशवदास जी इंद्रजीत सिंह की सभा में रखते थे। तो जैसे इंद्रजीत, मतलब यहाँ मैं इंद्र को, इंद्र जो भगवान है उनसे अगर कनेक्ट कर दूँ, तो केशवदास जी को कुछ जैसे आपने इनके रामचंद्र का के बारे में जानते होंगे, तो कुछ इनका ये आपने सुना होगा कि इन्होंने प्रतिस्पर्धा में एक रात में लिख डाली थी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वैसा स्वभाव था ना इनका, ताना सा, और उसी टाइप के थोड़े से इंद्रजीत को भी अगर आप याद कर लें तो ऐसे कनेक्शन बना के इनको याद रख सकते हैं। केशवदास जी और किसकी सभा में थे? इंद्रजीत सिंह की, ठीक है, जहाँ इनका बहुत मान था, एक ही से थे, मान होना था। इनके घराने में बराबर कृष्ण के सॉरी संस्कृत के अच्छे पंडित होते आए हैं। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगी, पिछले भक्ति काल के एक वीडियो में मैंने अग्रदास बोल दिया नाभादास जी की जगह, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, कई बार मैं इधर उधर ध्यान हो जाता है, जल्दी में इस तरह की गलती हो जाती है। इनके बड़े भाई बलभद्र मिश्र भाषा के अच्छे कवि थे। अभी बलभद्र मिश्र के बारे में हमने पहले पढ़ा था, पिछले वीडियो में बलभद्र मिश्र के बारे में पढ़ा था। इस प्रकार की परिस्थितियों में रहकर ये अपने समय के प्रधान साहित्य शास्त्रज्ञ कवि माने गए। एक तो परिस्थितियों से ही इनको, मतलब अपने भाई, बड़े भाई भी संस्कृत के अच्छे विद्वान थे, कवि थे, और बराबर संस्कृत के यहाँ पर पंडित जहाँ जिस घर में हो रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है इन्हें भी साहित्य शास्त्रज्ञ कवि माने गए। इनका आविर्भाव काल से कुछ पहले ही रस, अलंकार आदि काव्यांगों के निरूपण की ओर कुछ कवियों का ध्यान जा चुका था, ठीक है, मतलब जब इन्होंने कविता के उसमें पदार्पण किया, उससे पहले ही कुछ कवियों ने रस, अलंकार आदि काव्य, जो ये काव्यांग होते हैं रस अलंकार, इनके निरूपण के लिए कुछ लोगों का, कवियों का ध्यान चला गया था, मतलब उन्होंने इस ओर काम करना शुरू कर दिया। ये स्वाभाविक भी था क्योंकि हिंदी काव्य रचना प्रचुर मात्रा में हो चुकी थी, ठीक है, प्रचुर मात्रा में हो चुकी थी, क्योंकि काव्य रचना, तो अब जो कवि थे उनका काव्यांगों की तरफ जा रहा था दिमाग, रस, छंद, अलंकार, इसकी तरफ। लक्ष्य ग्रंथों के उपरांत ही लक्षण ग्रंथों का निर्माण होता है, मतलब जब
प्रचुर मात्रा में काव्य रचना हो गई यानी लक्ष्य ग्रंथ बन गए, उसके बाद ही उनके वो किस लक्षण पे बने, उनके प्रमुख लक्षण क्या रहे, इस तरह के ग्रंथों का निर्माण किया जाता है। केतब दास जी संस्कृत के पंडित थे, अतः शास्त्रीय पद्धति से वे साहित्य चर्चा का प्रचार भाषा में पूर्ण रूप से करने की इच्छा इनके लिए स्वाभाविक ही थी, क्योंकि वो भाई संस्कृत के पंडित थे ही, है ना। तो इस तरह की साहित्य चर्चा का प्रसार वो भाषा में भी करना चाह रहे थे। केशव के पहले संवत 1598 में कृपाराम थोड़ा रस निरूपण कर चुके थे, है ना। इसी समय चरखारी के मोहनलाल मिश्र ने श्रृंगार सागर नामक एक ग्रंथ श्रृंगार रस संबंधी लिखा था। मोहनलाल श्रृंगार सागर किसका है? मोहनलाल का। अभी आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, कम सुनने को मिलता है। नरहरि कवि के साथ अखबारी दरबार में जाने वाले कर्णेश कवि ने कर्णाभरण और श्रुति भूषण और भूप भूषण, कर्णाभरण श्रुति भूषण और भूप भूषण किसने लिखा था? कर्णेश, ठीक है, नामक तीन ग्रंथ अलंकार संबंधी लिखे थे। पर अब तक किसी ने कवि ने संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों का पूरा परिचय नहीं कराया था। ये काम केशवदास जी ने किया। केशवदास जी के यहाँ बड़े बड़े पहले ही संस्कृत के पंडित रहे, ये भी संस्कृत के बहुत अच्छे जानकार थे, है ना, पंडित थे। तो इसके पहले किसी ने संस्कृत साहित्य के पूरे काव्यांगों का हिंदी भाषा में नहीं कराया था परिचय, जो काम केशवदास जी ने कराया। ये काव्य में अलंकार को का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कार कविवादी कवि थे, जैसा कि इन्होंने स्वयं कहा है। ये लाइन सभी को पता होगी, जिसको नहीं पता है वो देख ले, याद कर ले, पूछी जाती है। यद्यपि सुजाति सुलक्षिणी सुवरण सुरस सुवरंत भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित, ठीक। तो इन्होंने किसको माना? भूषण को, यानी अलंकार को श्रेष्ठ माना, ठीक। अपनी इस मनोवृत्ति के अनुसार इन्होंने भामा, उद्भट और दंडी आदि प्राचीन आचार्यों का अनुसरण किया। किसका अनुसरण किया? भामा, उद्भट और दंडी। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है कि केशवदास जी किसकी अनुसरण पर कविता करते थे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भामा, उद्भट और दंडी तीनों ही संस्कृत के थे कवि, आपको पता ही है। और ये संस्कृत का ही कहीं ना कहीं, ये भी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, इसलिए आप इसको इससे जोड़ सकते हैं कि संस्कृत जो केशवदास जी थे, इन्होंने संस्कृत आचार्यों का ही अनुसरण किया, भामा, उद्भट और दंडी का। नाम भी आपको याद होने चाहिए, पूछे जाते हैं, ठीक है। अब थोड़े से उद्दंड थे तो उद्भट का कर दिया, दंडी भी वैसी स्ट्रिक्ट होती है, तो इस तरह से आप चाहिएगा तो जोड़ लीजिएगा, क्योंकि सारे फैक्ट सारे तथ्य दिमाग में एक साथ नहीं भरे जा सकते। हालांकि दो तीन बार आप अच्छे से पढ़ेंगे तो समस्याएं नहीं होंगी। जो रस रीति आदि सब कुछ अलंकार के अंतर्गत ही लेते थे। अब यहाँ पे आपको संस्कृत साहित्य का भी थोड़ा सा परिचय मिल जाएगा। भामा, दंडी और उद्भट जी क्या करते थे? रस और रीति सारे किसके अंदर लेते थे? अलंकार के अंतर्गत, यानी ये सारे अलंकारवादी आचार्य हो गए, और उनके ही अनुसरण पे केशवदास भी अलंकारवादी आचार्य थे, पता ही आपको, क्योंकि कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि अलंकारवादी आचार्य इनमें से कौन है या कौन नहीं है। तो इन तीनों को तो आप कन्फर्म कर लीजिए, इनके साथ जोड़ लीजिए, केशवदास जी के साथ भामा, उद्भट और दंडी और केशव, ये सारे अलंकारवादी थे, पूछा जा सकता है, ठीक। साहित्य शास्त्र को अधिक व्यवस्थित और समुन्नत रूप में लाने वाले मम्मट, आनंदवर्धन और विश्वनाथ का नहीं। जबकि साहित्य शास्त्र को ज्यादा व्यवस्थित रूप में और अधिक उन्नत और अधिक अच्छे, मतलब अच्छे रूप में लाने वाले कौन थे? मम्मट, आनंदवर्धन और विश्वनाथ, लेकिन उनका अनुसरण नहीं किया केशवदास ने, ठीक। अलंकार के सामान्य और विशेष दो भेद करके इन्होंने उसके अंतर्गत वर्णन की प्रणाली ही नहीं, वर्णन के विषय भी ले आए हैं, ठीक। विषय इन्होंने क्या किया? अलंकार के सामान्य और विशेष दो तरह के भेद किए,
और उसके अंतर्गत इन्होंने वर्णन की प्रणाली ही नहीं, वर्णन का जो विषय रहा, अलंकार वर्णन का विषय और प्रणाली दोनों को इन दो भेदों के अंतर्गत यानी इनमें समाहित कर दिया। अलंकार शब्द का प्रयोग इन्होंने व्यापक अर्थ में किया है, है ना। यहाँ पर बाकी जो इनसे पहले थे आचार्य, उनकी तरह इन्होंने अलंकार शब्द का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि उससे ज़्यादा अधिक व्यापक रूप में अलंकार शब्द का प्रयोग इन्होंने किया। वास्तविक अलंकार इनके विशेष अलंकार ही हैं। ये बात आप बहुत अच्छे से इस लाइन को समझ लीजिए, क्योंकि आयोग अब आपका बहुत स्मार्ट हो गया है, इस तरह के प्रश्न जरूर उठाएगा आगे। जो इनके वास्तविक अलंकार थे, वो जो वास्तविक अलंकार होते हैं, जिनको बाकी सारे जो कवि थे वास्तविक अलंकार मानते रहते, वो वास्तव में विशेष अलंकार ही थे। अलंकारों के लक्षण में अलंकार लक्षण इन्होंने दंडी के काव्यादर्श से बहुत सी बातें अमर रचित काव्य कल्प लता वृत्ति और केशव मिश्र कृत अलंकार शेखर से ली हैं। अब ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इनकी ये बात भी है ना, कहाँ से लिए हैं इन्होंने, हाँ क्या हो जाता है, दंडी के काव्यादर्श से, क्योंकि दंडी को तो इन्होंने अपना आदर्श माना। उसके बाद अमर रचित काव्य कल्प लता वृत्ति से ली, ठीक। अलंकारों के लिए इन्होंने जिनका स्रोत ग्रंथ बता रही हूँ मैं, अलंकारों के लिए स्रोत ग्रंथ इनके लिए क्या रहे, दंडी के काव्यादर्श, अमर रचित काव्य कल्प लता वृत्ति और केशव मिश्र रचित अलंकार शेखर। आपको चार काव्य दे दिए जाएंगे, इनमें से कौन स्रोत नहीं है या जिनसे अलंकार की लक्षण केशवदास ने नहीं लिए हैं, है ना। तो आपको याद रखना है, काव्यादर्श, काव्य कल्प लता वृत्ति और अलंकार शेखर इनसे लिए हैं, ठीक है। या हो सकता है आपसे कभी भी पूछ दिए जाए कि किसके रचनाओं से नहीं लिया है, दंडी की, अमर जी की और केशव मिश्र, तो तीसरा चौथा कोई और जोड़ के दे दिया जाए, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे, तो इनको दिमाग में रखिएगा। पर केशव के 50 या 60 वर्ष पीछे हिंदी में लक्षण ग्रंथों की जो परंपरा चली, वह केशव के मार्ग पर नहीं चली। यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि लेकिन अगर केशवदास जी के मतलब रचना काल के 50-60 साल बाद जो हिंदी के लक्षण ग्रंथ लिखे गए, जो एक मतलब ना अनवरत परंपरा चली, वो केशव के मार्ग पे नहीं चली, केशवदास जी का अनुकरण करके नहीं चली। काव्य के स्वरूप के संबंध में तो वह रस की प्रधानता मानने वाले काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण के पक्ष पर रही, और अलंकारों के निरूपण में अधिकतर चंद्रालोक और कुवल्यानंद का अनुसरण किया। अब यहाँ पर ये पंक्तियाँ आपके लिए विशेष महत्व की हो जाती हैं। क्यों महत्व की हो जाती हैं, क्योंकि कूट वाले जो प्रश्न होते हैं वो आपको यहीं से फंसा दिए जाते हैं। आपको लगता है कि आप कहाँ, आप इतनी बड़ी काव्य शास्त्र पूरी देखेंगे, कहाँ से ये आ गए। लेकिन आप ये देखिए, जो काव्य शास्त्र की आपकी केशवदास जी के 50-60 साल बाद जो परंपरा चली है ना, वो केशव के मार्ग पे नहीं चली, तो किसका अनुसरण किया उस परंपरा ने, रीतिकाल की बात हो रही है यहाँ। तो उसने अलंकारों के लिए चंद्रालोक और कुबलयानंद का अनुसरण किया, ठीक। अलंकारों के लिए मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, दोहरा रही हूँ, अलंकारों के लिए चंद्रालोक और कुबलयानंद का अनुसरण किया, और कहाँ चला गया, रस के लिए काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण के पक्ष में रही, यानी कि रस के लिए, रस की प्रधानता के लिए काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण, चार मुख्य ग्रंथ यहाँ दिए गए। जो केशवदास जी के 50-60 साल बाद जो परंपरा चली, उसमें जो रसवादी अलंकार, जो रसवादी आचार्य थे, उन्होंने मुख्यतः काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण का पक्ष लिया, और अलंकारवादियों ने चंद्रालोक और कुबलयानंद का अनुसरण किया। शायद अब आपको समझ आ गई होगी, कई बार मुझे ये लगता है कि
समझ आ गई होगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ब्रिज का काम करती हैं, कहीं ना कहीं पुल का काम करते हैं केशव दास जी, तो इनसे प्रश्न इसीलिए ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। आप ये देखिएगा कि अधिकतर प्रश्न जो प्रश्न पत्र रहते हैं केशव दास जी, उसमें एक आध प्रश्नों में रहते ही हैं। केशव ने अलंकारों पर कवि प्रिया और रस पर रसिक प्रिया लिखी। नाम से पता चल रहा है रस पे रसिक प्रिया और अलंकारों के लिए कवि प्रिया, क्यों कवि के प्रिय थे अलंकार, तो जो कवि प्रिय अलंकार थे वो अलंकारों के लिए कवि प्रिया और रस के लिए उसके नाम से पता चल रहा है। इन ग्रंथों में केशव का अपना विवेचन कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। मुख्य बात यह है कि ग्रंथ तो केशव दास जी ने लिखे, पर केशव दास जी का विवेचन कहीं इनमें, मतलब अपना कोई इनमें विशेष वो नहीं, विवेचन नहीं दिखाई पड़ता है। सारी सामग्री कई संस्कृत ग्रंथों से ली हुई मिलती है, ठीक। नामों में अवश्य कहीं कहीं थोड़ा हेर फेर मिलता है, जिससे गड़बड़ी के सिवा और कुछ नहीं हुआ। मतलब इन्होंने जो थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश की, थोड़ा बहुत बदलाव करने की कोशिश की, उसमें भी सिर्फ गड़बड़ी ही हुई उससे। उपमा के जो 22 भेद केशव ने रखे हैं उसमें 15 तो ज्यों के त्यों दंडी के हैं, दंडी का इन्होंने अनुसरण किया था, तो उपमा के 22 भेद 15 तो ज्यों के त्यों इन्होंने दंडी के ले लिए, ठीक। 5 केवल नाम बदल कर रखे हैं, ठीक है, और शेष रहे 2 भेद संकीर्णोपमा और विपरोत्तमा। 2 कौन से शेष रहे, संकीर्णोपमा और विपरोत्तमा। इनमें विपरोत्तमा को तो उपमा कहना ही व्यर्थ है, ठीक। हो सकता है कभी मूड बने तो आपसे कह दिया जाए कि रामचंद्र शुक्ल जी किसके लिए कहते हैं कि इसको उपमा कहने, केशव दास जी के मतलब उपमा संबंधी किस भेद के लिए कहते हैं कि इसको तो कहना ही व्यर्थ है उपमा। भाई अब आयोग का क्या, तो किताब इस तरह से आपको पढ़नी। इसी प्रकार आक्षेप के जो 9 भेद केशव ने रखे हैं उसमें 4 तो ज्यों के त्यों दंडी के हैं। 5वां मरणाक्षेप दंडी का, देखिए यहाँ पे समझ नहीं रहा है, मूर्छाक्षेप ही है, ठीक है। मूर्छाक्षेप को उन्होंने मरणाक्षेप कर दिया। कवि प्रिया का प्रेमालंकार दंडी के प्रेयस का ही नामांतर है, जो इन्होंने प्रेमालंकार लिया वो प्रेयस का नाम बदलकर प्रेमालंकार कर दिया। प्रेयस जो दंडी ने नाम दिया उसका इन्होंने क्या कर दिया, प्रेमालंकार, सॉरी हाँ हाँ, कवि प्रिया में जो उन्होंने प्रेमालंकार दिया केशव दास जी, वो दंडी के प्रेयस का नाम बदल कर रख दिया, ठीक है। उत्तर अलंकार के 4 भेद वास्तव में पहेलियां हैं। कुछ भेदों को दंडी से लेकर भी केशव ने उनका और का और ही अर्थ समझा है, मतलब उन्होंने दंडी का उसमें अनुसरण भी किया है लेकिन उसका वास्तविक अर्थ ही नहीं समझ पाए, उसका खुद ही अर्थ गलत समझे, जिससे वो और का और हो गया है। केशव के रचे 7 ग्रंथ मिलते हैं, ठीक। कवि प्रिया काव्यांग, इसमें आपको अभी बताया गया अलंकार, क्योंकि कवि के प्रिय अलंकार थे, केशव दास जी अलंकारवादी थे, तो कवि प्रिया में अलंकारवादी, रसिक प्रिया में रसवादी, रामचंद्रिका में आपको पता ही है ना, वीर सिंह देव चरित काव्य है, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जसचंद्रिका, इनका अभी विवरण आपको मिलेगा। कितने ग्रंथ, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार केशव के 7 ग्रंथ मिलते हैं, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका, ठीक है। केशव दास जी को कवि हृदय नहीं मिला था, ये पंक्ति बराबर पूछी जाती है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि केशव दास जी को कवि का हृदय नहीं मिला था, कवि के हृदय उसमें जो सहृदयता और भावुकता, उसमें वह सहृदयता और भावुकता ना थी जो कवि में होनी चाहिए। भाई कवि को भावुक होना चाहिए, है ना, सहृदय होना चाहिए, दूसरों के सुख में सुख और दुख में दुख का जो अनुभव कर सके, है ना। वे संस्कृत साहित्य सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते, इसीलिए मैंने शुरू में आपको ये मेरा, भाई मैं इतनी ज्ञाता नहीं हूँ, मैंने जितना समझा है रामचंद्र शुक्ल जी की बुक में देखा, तो केशव दास जी को इन्होंने कहीं थोड़ा सा खड़ी बत
अगर पूरी बात हम संक्षेपण करें तो कहीं ना कहीं लगता है ना, पांडित्य प्रदर्शन, चमत्कार पूर्ण वर्णन, तो थोड़ा सा इस तरह का स्वभाव लगता है, तभी हमने कहा कि इसको इंद्रजीत से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, ये मेरे पर्सनल कोई विचार नहीं है, आपको अच्छे से याद रहे, थोड़ा सा दिमाग में रुके, इसलिए मैं ऐसे बोल देती हूँ। ठीक है, आपको अगर बुरा लगता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इस तरह की चर्चा नहीं करूंगी। पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए था वैसा उन्हें प्राप्त ना था। वो पंडित्य और रचना कौशल की धाक तो जमाना चाहते थे, लेकिन उसके लिए भाषा पे अधिकार चाहिए। आप जब पूरा कमांड आपका आपकी भाषा पे होगा, अधिकार होगा, तो आप बहुत अच्छे से अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। वैसा उनपे अधिकार केशवदास जी पे नहीं था। उन्होंने सिर्फ भामा, उद्भट और दंडी को फॉलो तो किया, उनका अनुसरण तो किया, पर अपनी तरफ से उसमें भाषा का वो अधिकार भी नहीं दिखा पाए। अपनी रचनाओं में उन्होंने संस्कृत काव्यों की उक्तियां लेकर भरी। ठीक, जो भी रचनाएं हैं, जो उक्तियां मिलती हैं, वो ज्यादातर संस्कृत काव्यों का अनुवाद है, पर उन उक्तियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में उनकी भाषा बहुत कम समर्थ हुई है। मतलब जो भी उक्तियां उन्होंने ले ली, उनका अनुवाद भी कर दिया, तो अनुवाद भी उतना भावपूर्ण नहीं था कि पूरी पूरी बात उसी तरह से कह पाता है ना, भाषा उनकी इतनी समर्थ नहीं हुई है। पदों और वाक्यों की न्यूनता, असक्त फालतू शब्दों का प्रयोग और संबंध के अभाव के कारण अप्रांचल और ऊबड़ खाबड़ हो गई है उनकी जो भाषा है, उसमें देखिए ये कमियां बता रहे हैं। अब हो सकता है ये कमियां दे दी जाए और आपसे कह दिया जाए कि किसके बारे में है ये, तो हमें लगता है कि कुछ कमियों का तो थोड़ा सा आप एकदम अलग नाम लिख लीजिए कि अगर कमियां पूछी जाए तो ये कवि हैं, और अगर कहीं विशेषता पूछी जाए तो तुलसीदास जी का इतना अच्छा इन्होंने इतना ज़्यादा, और वास्तव में वो बात के तो अगर मैं अपनी बात कहूँ तो शुक्ल जी ने जो लिखा बहुत सही लिखा था। पदों और वाक्यों की न्यूनता, आसक्त फालतू शब्दों के प्रयोग और संबंध के अभाव, ये सब इनकी कविताओं की जो कमी थी वो थी। भाई तुलसीदास जी की तो जग जाहिर है, आज तक हम जान रहे हैं कि उनका क्या महत्व है, और अगर केशवदास जी का उतना होता तो रामचंद्र शुक्ल जी के बाद भी उनको कोई ना कोई उठा के आगे ले जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। तात्पर्य भी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो सका है। मतलब जो उसका मेन भाव है, जो भाव वो संस्कृत उक्तियां कहना चाहती है, उसका सही मतलब तक व्यक्त नहीं हुआ है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो उन्होंने चमत्कार पूर्ण शब्द लिए, बड़े बड़े भारी भारी संस्कृत निष्ठ, तो लोगों के बीच में थोड़ा धाक जमाने के लिए इस तरह के उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन उनका अच्छे से उतने जो वास्तव में उनका तात्पर्य था, जो अर्थ था, वो भी व्यक्त नहीं हो पाया। केशव की कविता जो कठिन कही जाती है, उसका प्रधान कारण है उसकी यह त्रुटि। सबसे मेन कमी देख लीजिए, उनकी मौलिक भावनाओं की गंभीरता या जटिलता नहीं। मतलब जो कहते हैं ना केशव की कविता को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है ना केशव को, तो उनकी जो कविताएं हैं उसकी जो प्रमुख गलती है, जो सबसे बड़ी कमी है, जो उनकी कविता की कठिनता का कारण है, वो ये ऊपर दी गई कमियां हैं, ना कि जो उनकी भावनाएं गंभीर या जटिल है। ये नहीं कहा जा सकता है कि केशवदास जी बड़े गंभीर विषय को लेके चले या जटिल विषय को लेके चले, इसलिए कविताएं कठिन है, ऐसा नहीं। उनके शब्दों के प्रयोग ऐसे हैं कि उनकी भाषा कठिन लगती है। रामचंद्रिका में प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादम्बरी, नैसधा की बहुत सी उक्तियों का अनुवाद करके रख दिया गया है। ठीक है, रामचंद्रिका जो एक रात में लिख दी गई थी, तो ये क्या है भाई, उन्होंने पढ़ी होंगी और जो कहते हो उसको वैसे ही अनुवाद करके रख दिया। कहीं कहीं अनुवाद अच्छा ना होने के कारण उक्ति विकृत हो गई है ना। जैसे प्रसन्न राघव के प्रियतम पदैरम कितान्न भूमि भागान का अनुवाद प्यों पद पंकज ऊपर करके केशव ने उक्ति को एकदम बिगाड़ डाला है। हाँ, जिन उक्तियों में जटिलता नहीं है, समास शैली का आश्रय नहीं लिया गया है, उनके अनुवाद में कहीं कहीं बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त हुई हैं। ठीक, मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा
समास शैली का या उक्तियों में जटिलता नहीं है, संस्कृत की उक्तियों में। उनके अनुवाद में केशवदास जी को कहीं कहीं अच्छी सफलता मिल गई है। जैसे ये वाली पूछी बहुत जाती है, मातु कहाँ निपतात गए सुर लोक कहीं क्यों सुत शोक लय। ठीक, जो हनुमान नाटक के इस श्लोक का अनुवाद है, ये जो पंक्ति पूछी जाती है किसके द्वारा रचित है। अब हमारा आयोग बहुत एडवांस हो रहा है, आप याद कर लीजिएगा, ये हनुमान नाटक के एक श्लोक का अनुवाद है। ठीक है, ये पंक्ति हनुमान नाटक के एक श्लोक का अनुवाद है। आज मैं बहुत ज़्यादा रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, पूछा बहुत ज़्यादा जाता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा, अच्छा लगे तो पूरा सुन लीजिएगा। केशव ने दो प्रबंध काव्य लिखे, एक वीर सिंह देवचरित और दूसरा रामचंद्रिका। ठीक, पहला तो काव्य नहीं कहा जा सकता है, इसमें वीर सिंह का चरित्र तो थोड़ा है, दान और लोभ के संवाद भरे पड़े हैं। दान लोभ के संवाद किस में पड़े हैं, भरे हुए वीर सिंह देवचरित में। रामचंद्रिका अवश्य एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, पर यह समझ रखना चाहिए कि केशव उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। मतलब उनके उनको लगता था कि वो अपनी बातें इतने चमत्कार पूर्ण ढंग से कहें, शब्दों से खेलना वो जानते थे, उन्हें शब्दों से खेलना पसंद था, भाव भले ही उतने ना निकले, शब्द ऐसे हों है ना कि लोग एकदम सुने तो सुनते रह जाए। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अब वे मुक्तक रचना के ही उपयुक्त थे। मतलब वो जो उनकी शैली थी, उनके रचना का तरीका था, वे मुक्तक शैली के ही उपयुक्त था, प्रबंध रचना के लिए नहीं। वाक्यपटुता उनमें कुछ भी ना थी। वाक्यपटुता कैसी, जैसे आप सूरदास जी के मतलब जैसे के ये आपके सूरदास जी के जब आप देखेंगे तो उसमें जब गोपियाँ संवाद करती तो किस तरह की बातों में एकदम ना पटुता दिखाई देती, चलाकी दिखाई देती, कितना अच्छा लगता है, उस तरह के इनके पास में नहीं थी बातें। वाक्य पटुता की प्रबंध के लिए तीन बातें अनिवार्य हैं। रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि प्रबंध अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए तीन बातें अनिवार्य होती हैं, ध्यान रख लीजिएगा तीन बातें। पहली, संबंध निर्वाह, कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान, दूसरी और हृदय दृश्यों की स्थानगत विशेषता। ठीक है, बहुत कम लोगों को मुझे पता है ये चीज़, थोड़ा कम ही लोगों को अभी याद होगी या ध्यान गया होगा, देख लीजिएगा। प्रबंध काव्य के लिए तीन बातें अनिवार्य हैं, संबंध निर्वाह, कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान और हृदय के सॉरी दृश्यों की स्थानगत विशेषता। अब एक एक की बात कर लेते हैं। संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में ना थी, पहले की थी नहीं, उनकी रामचंद्रिका अलग अलग लिखे हुए वर्णनों का एक संग्रह जान पड़ती है। संबंध निर्वाह का मतलब ये कह रहे हैं कि एक घटना का दूसरी घटना से पूरी तरह से संबंध हो, क्रम ना टूटने पाए, जब कोई उसको पढ़ना शुरू करे तो पढ़ता ही चला जाए, है ना। लेकिन रामचंद्रिका जब मतलब आप पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि अलग अलग घटनाओं को एक साथ रख दिया गया। कथा का चलता प्रवाह ना रख सकने के कारण उन्हें बोलने वाले पात्रों के नाम नाटकों के अनुकरण पर पद्यों से अलग सूचित करने पड़े हैं। मतलब कथा का अगर चलता हुआ प्रवाह होता है, लोग उसमें बहना चाहते हैं, बह जाते हैं, तो कुछ उनको अलग से बताना नहीं पड़ता, उनको खुद पता चलता है। लेकिन क्योंकि इनमें वो प्रवाह था नहीं, तो जो बोलने वाले पात्र थे उनका नाम नाटकों की तरह, जैसे नाटक में अलग से बताए जाते हैं, वैसे ही इनको भी पद्यों से अलग सूचित करना पड़ा है। ठीक है, मतलब पद्य लिख दिया, उसमें अलग से इन्होंने पात्रों के बारे में बताया। दूसरी बात भी केशव में कम पाई जाती है, राम के कथा का केशव के हृदय पर कोई विशेष प्रभाव रहा हो ये बात नहीं पाई जाती। मतलब स्वयं अगर आप किसी चीज से प्रभावित हैं तो आप उसके बारे में ज़्यादा लिख सकते हैं, अच्छा भावनापूर्ण लिख सकते हैं। तो यही यहाँ पे शुक्ल जी कह रहे हैं कि राम कथा का केशव के हृदय पे कोई इतना खास प्रभाव रहा हो ये देख के लगता नहीं है। ठीक, ये बात उनमें नहीं पाई जाती है। इन्हें एक बड़ा प्रबंध लिखने की इच्छा हुई और उन्होंने राम की कथा ले ली। उन्हें प्रबंध लिखना था तो उन्होंने कहा चलो राम कथा पे लिख देते हैं। लेकिन कवि
देखिए पूरी सफलता तब प्राप्त करेगा जब उसको लेके वो खुद कहीं ना कहीं बहुत उसके मन पे जब जिस चीज का बहुत ज्यादा प्रभाव है। उस कथा के भीतर जो मार्मिक स्थल है उनकी ओर केशव का ध्यान बहुत कम गया है। ऐसे स्थलों को या तो वो छोड़ गए हैं या यूं ही इतिवृत्त मात्र कहकर चलता कर दिया है। राम आदि को वन की ओर जाते देख कर मार्ग में पड़ने वाले लोगों से कुछ कहलाया भी तो क्या कहलाया, किंधो मुनि शाप हत, किंधो ब्रह्म दोष रत, किंधो को ठग हो। सोचिए ऐसा अलौकिक दृश्य और सौम्य आकृति सामने पाकर सहानुभूतिपूर्ण शुद्ध सात्विक भावों का उदय होता है ना। जब ये सोचिए इतना अलौकिक स्वयं भगवान राम अगर सामने हो तो आपके अंदर सात्विक भावों का उदय होगा। इसका अनुभव शायद एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने वाले नीति कुशल दरबारियों के बीच में रहकर केशव के लिए कठिन हो गया था, क्योंकि वो दरबारी कुशल थे, चतुर थे। नीत कुशल दरबारियों के मतलब जो हमेशा एक दूसरे के साथ कूटनीति ही करने के लिए तैयार रहते थे, ऐसे दरबारियों के साथ में केशव दास जी का उठना बैठना था। तो ऐसा हृदय उन्होंने नहीं पाया कि किसी पे शंका, मतलब यहाँ पे उन्होंने शंका तक दिखा दी। उन्हें मतलब इस चीज का भी वो नहीं था कि किस तरह के भाव उठ सकते हैं। अब तीसरी अगर बात करें दृश्यों की स्थानगत विशेषता, ठीक, केशव की रचनाओं में ढूंढना तो व्यर्थ ही है, तीसरे को तो ढूंढना ही नहीं है। शुक्ल जी कह रहे हैं पहली बात तो ये केशव के लिए प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षण नहीं था, मतलब उन्हें प्राकृतिक दृश्यों से कोई मोह नहीं था, और वे उनकी देशगत विशेषताओं का निरीक्षण करने क्यों जाते। और दूसरी बात थी कि केशव के बहुत पहले ही इसकी परंपरा एक प्रकार से उठ चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। केशव दास जी के काफ़ी पहले ही ये प्राकृतिक दृश्यों में बहुत ज़्यादा वो ध्यान देने वाली परंपरा भी उठ चुकी थी। कालिदास के दृश्य वर्णनों में देशगत विशेषताओं को जो रंग पाया जाता है वह भभूति तक तो कुछ रहा, उसके बाद में नहीं रहा, उसके पीछे नहीं, मतलब उसके बाद में नहीं रहा। ये पंक्ति भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो दृश्य प्राकृतिक दृश्य वर्णन था वो जो उसकी जो देशगत उस मतलब उस स्थल की जो विशेषताएं होती थी उनका जो रंग बहुत अच्छे से अपने काव्य में भर सकते थे। कालिदास जी ने तो बहुत अच्छा किया है, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। उसके बाद भवभूत ने कुछ किया है, लेकिन उसके भवभूति की बात अगर बात करें तो ये इस तरह का नहीं पाया जाता है, और फिर वे वर्णन रूढ़ हो गए। चारों ओर फैली हुई प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था। अपनी इस मनोवृत्ति का आभास उन्होंने यह कहकर दिया, मतलब उनकी मनोवृत्ति इस तरह की थी कि उनको आसपास के प्राकृतिक उसमें कोई भी रुचि नहीं थी। ये कैसे पता चलता है, ये उन्होंने खुद ये बात ये पंक्ति कहकर खुद ही उसका आभास दिया है। देखे मुख भावे अनदेखे ही कमल चंद, ठीक है, ताके मुख मुखे सखी कमलौ न चंदरी। इस पंक्ति द्वारा उन्होंने साफ दे दिया है ऐसे व्यक्ति के प्राकृतिक दृश्यों में सच्ची वर्णन की भला क्या आशा की जा सकती। पंचवटी के और प्रवर्सन गिरी के ऐसे रमणीय स्थलों में सप्त साम्य के आधार पर श्लेष के एक भद्दे खिलवाड़ के अतिरिक्त और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, किसमें, केशव दास जी की रचनाओं में। केवल सप्त साम्य के सहारे जो उपमान खड़े किए गए हैं वे किसी रमणीय दृश्य से उत्पन्न सौंदर्य की अनुभूति के सर्वथा विरुद्ध और बेमेल हैं। ये भी लाइन आपसे पूछी जा सकती है, जैसे प्रलय काल पांडव सुग्रीव शेषनाग, ठीक, सादृश्य और साधर्म्य की दृष्टि से वे दृश्य वर्णन में जो उपमाएं उत्प्रेक्षाएं आदि लाई गई हैं वे भी सौंदर्य की भावना में वृद्धि करने के स्थान पर कौतूहल मात्र उत्पन्न करती हैं, जिज्ञासा बढ़ा देती हैं। एक वो भाव विभोर करने वाली जो चीज़ होती है वो केशव दास जी में नहीं पाई जाती, जिज्ञासा तो वो आपकी बढ़ा देगी। जैसे श्वेत कमल के छत्तों पर बैठे हुए भौरे पर ये उगती, केशव राय मनो कमला सन के सिर ऊपर सोहे, ठीक, केशव केशव राय मनो कमला सन के सिर ऊपर सोहे।
पर कहीं कहीं रमणीय और उपयुक्त तो उपमान भी मिलते हैं। अब कहीं कहीं तो मिलेंगे ही, लेकिन ज्यादातर जगह नहीं मिले। जैसे जनकपुरी में सूर्योदय के वर्णन में, जिसमें कापालिक काल को छोड़कर अन्य उपमान रमणीय है। मतलब सूर्योदय को उन्होंने कापालिक काल भी कहा है, और अगर इसकी बात छोड़ दी जाए तो बाकी जो कुछ उन्होंने कहा, जो वर्णन किया, वो रमणीय है, अच्छा है। सारांश यह है कि प्रबंध काव्य रचना के योग्य ना तो केशव में अनुभूति थी और ना शक्ति। परंपरा के चले आते हुए कुछ नियत विषयों जैसे युद्ध, सेना की तैयारी, उपवन, राज दरबार की ठाट बार और श्रृंगार और वीर रस, ये तो परंपरा नियत है, ये परंपरा से चले आते हुए कुछ जरूरी उस समय के नियत विषय ही थे, के फुटकल वर्णन ही अलंकारों की भरमार के साथ वे करना जानते थे। इसी से बहुत से वर्णन यूं ही अवसर बिना विचार किए भरते चले गए। मतलब उन्हें आता ही यही था, उनके लिए यही प्रिय था, तो जहाँ अवसर नहीं भी है वहाँ पे भी इन चीज़ों का उन्होंने प्रयोग कर दिया है। वे वर्णन वर्णन के लिए करते थे, ना कि प्रसंग या अवसर की अपेक्षा से। मतलब जरूरत के हिसाब से वर्णन नहीं होता था, प्रसंग है, अवसर है, तो उसकी अपेक्षा से, उसके हंसे, मतलब उसकी ज़रूरत के हिसाब से वर्णन नहीं करते थे, उन्हें करना है तो करना। कहीं कहीं तो उन्होंने उचित अनुचित की भी परवाह नहीं की है। मतलब सही है कि गलत है, किस तरह की आप रचना कर रहे हैं उसमें इस तरह का वर्णन उचित है या नहीं, वो भी नहीं किया। जैसे भरत के चित्रकूट यात्रा के प्रसंग पर सेना की तैयारी और तड़क भड़क का वर्णन, ठीक है। जब भरत जी चित्रकूट की यात्रा पे जा रहे हैं तो आप लोगों को खुद समझना चाहिए वहाँ सेना और तैयारी और तड़क भड़क का वर्णन का कोई मतलब नहीं। अनेक प्रकार के रूखे सूखे उपदेश भी बीच बीच में वो रखना नहीं भूलते। दान महिमा और लोभ निंदा तो वे प्रायः जगह निकाल लिया करते थे। मतलब दान महिमा और लोभ निंदा तो उनके लिए बहुत प्रिय विषय रहा था, हर जगह उसका अवसर वो निकाल के करते जरूर थे। दान महिमा और लोभ निंदा उपदेशों का समावेश एक दो जगह तो पात्रों के का बिना विचार किए अत्यंत अनुचित और भद्दे रूप में किया। मतलब कहीं भी कोई भी किसी तरह के उपदेश देना शुरू कर देता था। जैसे वन जाते समय राम का अपनी माता कौशल्या को पतिव्रत का उपदेश देना, केशव दास जी ने जब राम अपने वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो उन्होंने अपनी माता को कौशल्या को अपनी माता कौशल्या को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया, जो उस समय के हिसाब से उचित नहीं था। देखिए 40 मिनट का हो रहा है वीडियो। चंद्रिका के लंबे चौड़े वर्णनों को देखने से स्पष्ट लक्षित होता है कि केशव की दृष्टि जीवन के गंभीर और मार्मिक पक्ष पर ना थी। इम्पॉर्टेंट है लाइन, रामचंद्रिका को यदि आप देखें, उसके वर्णन देखें, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो केशव की दृष्टि थी वो जीवन के जो बहुत गंभीर और मार्मिक पक्ष होते उन पे नहीं थी। उनका मन राजसी ठाट बाट, तैयारी, नगरों की सजावट, चहलपहल आदि के वर्णनों में ही विशेषता लगता था, ठीक है। अगर मैं केशव दास जी को पूरा कराऊंगी तो ये मुझे लगता है चला जाएगा 1.5 घंटे का वीडियो, और इतना अपलोडिंग में बहुत ज़्यादा समस्या ले लेगा और आप भी बहुत बोर हो जाएंगे। और मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मतलब वीडियो को लंबा भी ज़्यादा कर दिया, ज़्यादा टाइम लेके बताया है, ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप बता दीजिएगा अगर इस तरह से आपको समस्या हो रही होगी तो मैं पहले जैसे पढ़ा दूंगी, क्योंकि केशव दास जी इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने इसको थोड़ा टाइम दे के पढ़ाया, इसलिए अब इसका एक वीडियो और मुझे बनाना पड़ेगा। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट द्वारा बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोग देखें तो मुझे भी तो लगे कि मेरी मेहनत सफल हो रही है ना। आपका साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।